हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नेक्स्ट सेशन ऑन प्रोग्रामिंग इन सी। आज के इस सेशन में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करने जा रहे हैं। द टाइटल ऑफ प्रोग्राम इज टू प्रिंट सीरीज 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 यूजिंग रिकर्जन। जो ये सीक्वेंस आप देख रहे हैं 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, दिस इज ऑल्सो नोन एज फिबोनाकी सीक्वेंस। सो लेट अस डू इट विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। रिकर्जन जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन अंटिल सम स्पेसिफाइड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो फर्स्ट पहले रिकर्शन कंप्लीट कीजिए, देन यू कैन मेक दिस प्रोग्राम। सो जैसे कि मैंने ये बताया कि दिस सीक्वेंस इज नोन एज फिबोनाकी सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस का लॉजिक क्या है? इसमें जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो फिक्स्ड हैं। मीन्स अगर हम इस सीक्वेंस के लिए एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को से फिब का नाम देते हैं, तो यू कैन से जो फिब वो फर्स्ट टर्म है दैट इज ऑलवेज जीरो एंड सेकंड टर्म इज ऑलवेज वन। ये दो टर्म तो फिक्स्ड हैं, इनको हम स्टॉपिंग कंडीशन और बेस क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी टर्म्स हैं, लाइक अगर मैंने थर्ड टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म इज गिवन बाय सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म, मीन्स फिब ऑफ सेकेंड प्लस फिब ऑफ फर्स्ट। अब फिब ऑफ सेकेंड क्या है? 1 + 0 = 1। सो थर्ड टर्म इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सिमिलरली फोर्थ टर्म इज सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म, मीन्स थर्ड टर्म प्लस सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म क्या है मेरी? 1 + 2 = 1, तो 1 + 1 = 2। सिमिलरली फिफ्थ टर्म जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ फोर्थ टर्म प्लस सम ऑफ थर्ड टर्म, मीन्स फोर्थ टर्म इज 2 + 1 = 3। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म इज 5, उससे अगली टर्म 3 + 5 = 8, तो ये ऐसे चलता रहेगा। सो इसमें हमने यूज़र से एक n की वैल्यू इनपुट करनी है। लाइक अगर मैं n 5 ले रहा हूँ तो मेरी आउटपुट जो आएगी 0, 1, 1, 2, 3, 5 टर्म्स मैंने शो करनी है। नाउ इसके लिए हम रिकर्जन यूज़ करेंगे एंड जैसे मैंने रिकर्सिव डेफिनेशन आपको बता दी है, तो दिस इज़ द रिकर्सिव डेफिनेशन दैट मैं दोबारा लिख रहा हूँ। फिब ऑफ n इज इक्वल टू, या तो आंसर मेरा 0 होगा या 1 होगा, या फिर फिब ऑफ n - 1 + फिब ऑफ n - 2। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। 0 कब होगा? अगर n की वैल्यू 1 है। 1 कब होगा? अगर n की वैल्यू 2 है। और ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब n की वैल्यू 2 से ग्रेटर है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। तो लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोग्राम एंड उसके बाद हम इसकी आउटपुट भी देखेंगे। तो दिस इज़ दी मेन प्रोग्राम जिसमें मैंने एक इंटीजर n लिया है, एक इंटीजर i भी लेंगे एंड एक मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर लिया फिब विच विल रिटर्न इंटीजर एंड एक्सेप्ट वन आर्गूमेंट एज इंटीजर, एंटर द वैल्यू ऑफ n। n मैंने इनपुट करवा लिया। सपोज अगर मैं n 5 लेता हूँ तो ये लूप 5 टाइम्स रन करेगी फॉर i इज इक्वल टू 1 to n i++ एंड ईच टाइम ये फिब फंक्शन जो है कॉल होता रहेगा। फर्स्ट टाइम इट विल बी कॉल्ड विद वैल्यू 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। एंड जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, लाइक फर्स्ट टाइम इट इज़ n इज़ 1, तो अगर ये 1 है तो रिटर्न करेगा 0, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया रिकर्सिव। अगर n 2 है तब ये रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज अगेन इट विल कॉल इटसेल्फ विद वैल्यू n - 1 एंड n - 2। दिस इज इट्स रिकर्सिव बिहेवियर। सो जब ये फंक्शन 5 टाइम्स कॉल होगा, फर्स्ट टाइम 0 रिटर्न करेगा, सेकेंड टाइम इट विल रिटर्न द वैल्यू 1 एंड उससे अगली बार मीन्स फॉर 3, 4 एंड 5 इट विल कॉल इटसेल्फ एंड उसकी जो कैलकुलेशन होती जाएगी। सो लेट अस सी द वर्किंग विद n इज इक्वल टू 4। 4 से मैं इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज n मेरा 4 है तो लूप विल रन i = 1, i = 2, i = 3 एंड i = 4। तो फर्स्ट टाइम तो डायरेक्टली रिटर्न क्या हो जाएगा? इट विल रिटर्न 0 एंड स्क्रीन के ऊपर 0 जो है आउटपुट में आ जाएगा। सेकेंड टाइम इट विल रिटर्न द वैल्यू 1 एंड आउटपुट में 1 आ जाएगा। जब i 3 होगा तो इट विल रिटर्न फिब ऑफ 2 + फिब ऑफ 1 एंड फिब ऑफ 2 इज ऑलरेडी मेरे पास है, दैट इज फिब ऑफ 2 की वैल्यू 1 + 0, दिस इज अगेन 1 और स्क्रीन पे 1 आ जाएगा। सो ये जो आउटपुट है वो आ रही है।
अब फोर वाली आप वर्किंग समझिए, फोर में अगेन इट विल कॉल फिब ऑफ थ्री प्लस फिब ऑफ टू। फिब ऑफ टू की तो वैल्यू है मेरे पास दैट इज़ वन, बट फिब ऑफ थ्री में इट विल अगेन कॉल इटसेल्फ विद वैल्यू फिब ऑफ टू प्लस फिब ऑफ वन। फिब ऑफ टू इज़ वन प्लस जीरो दैट इज़ वन, एंड अल्टीमेटली ये दोनों ऐड हो जाएंगे, वन प्लस वन इज़ टू, एंड स्क्रीन के ऊपर टू शो हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द प्रोग्राम विल वर्क फॉर एन इज इक्वल टू फोर। इन ए सेम वे आप कोई भी एन की वैल्यू लेके देख सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली दिस प्रोग्राम विल वर्क। सो लेट अस सी दी नाउ द आउटपुट ऑफ दिस कोड। सो ये मेरा प्रोग्राम है, अगेन द सेम लॉजिक, फॉर लूप मैंने लगाई है यहाँ पे, फॉर आई इज इक्वल टू वन टू आई लेस देन इक्वल टू एन इट विल कॉल द फिब फंक्शन, एंड उसमें अगेन अगर एन वन है तो रिटर्न जीरो, टू है तो रिटर्न वन, अदरवाइज इट विल रिटर्न फिब ऑफ एन माइनस वन प्लस फिब ऑफ एन माइनस टू। सो लेट अस सी इट्स आउटपुट। सपोज अगर मैं सेवन टर्म्स दे रहा हूँ तो इट विल प्रिंट जीरो वन वन टू थ्री फाइव एंड एट। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज रिकर्जन टू प्रिंट द एन टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। होपफुली आपको ये कोड एंड ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। नाउ यू कैन प्रैक्टिस दिस प्रोग्राम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सेशंस।